दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक चूहा गाना गा सकता है? या फिर ये जानते हैं कि कोई टीवी एड 14 घंटे तक चला? अच्छा, तो ये तो जानते ही होंगे कि एक घर जो लगाता है पृथ्वी के चक्कर। अगर नहीं तो चलिए आज मैं आपके दिमाग के तार एक बार फिर से जोड़ देता हूँ, ताकि आप फिर से ऐसे शानदार फैक्ट से लबालब हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये फैक्ट ट्रैवल। फैक्ट नंबर 15। अमेरिका के मैनहट्टन शहर में ये मोची सिर्फ बूट पॉलिश करके महीने के 18 लाख रुपए कमा लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ जूते साफ करके कोई 18 लाख महीना कैसे कमा सकता है? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मोची सिर्फ जूते ही पॉलिश नहीं करता, बल्कि ये अपने कस्टमर्स के साथ कॉमेडी भी करता है। और इसीलिए डॉनवर्ड से जूते पॉलिश करवाने के लिए लंबी कतार भी लगी रहती है, क्योंकि लोग इनकी कॉमेडी भी उतना ही पसंद करते हैं जितनी इनकी बूट पॉलिशिंग। तो अगर आप मैनहट्टन जाएं, तो इनकी कॉमेडी के किस्से हमें भी जरूर सुनाइएगा। फैक्ट नंबर 14। क्या आपने किसी बढ़ते हुए जूते के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही जूते के बारे में जो हर साल बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, केन्या के कबेरा की झुग्गियों में नंगे पैर चलना खतरनाक है, इसीलिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने वहाँ के लोगों के लिए ऐसे जूते बना दिए हैं जो पैरों के साथ बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, खास बात ये है कि ये पूरी तरह मुफ्त बांटे जाते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, गाने तो आपने कई सुने होंगे और सिंगर्स भी कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने किसी चूहे को गाना गाते हुए सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं आपको सुनाता हूँ, इससे मिलिए। ये है सेंट्रल अमेरिका का ऐसा चूहा जो एक बार में 100 नोट्स गाकर सुनाता है। आप खुद ही सुन लीजिए, है ना कमाल? क्या आप इसे अपने घर में रखना चाहेंगे? फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, त्योहारों के टाइम पर या किसी पब्लिक इवेंट को हम और भी ज्यादा शानदार या यूं कहें कि रंगों से भरने के लिए LED लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये रंग बिरंगी LED लाइट्स इन्वेंट कहां से हुई थी? दोस्तों, असल में इन लाइट्स को बनाने का आइडिया कुछ जैपनीज इन्वेंटर्स को तब आया जब उन्होंने एक कॉम्ब जेलीफिश को देख लिया। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी मछली है जिसकी बॉडी में कुछ ऐसी ही रंग बिरंगी लाइट्स मूव करती हैं। क्यों दोस्तों, है ना ये एक अजब गजब मछली। फैक्ट नंबर 11। अगर आपकी उम्र 30 साल है और अभी तक आप कुंवारे हैं, तो आप लकी हैं दोस्तों। क्या आपको पता है कि जर्मनी में एक अजीब ट्रेडिशन है जिसके मुताबिक वहाँ अगर कोई लड़का या लड़की 30 साल तक कुंवारा है तो उसे पब्लिक टॉयलेट या ऑफिस टॉयलेट साफ करने की सजा दी जाती है, और इसीलिए यहाँ लोग शादी के लिए 30 साल का इंतजार नहीं करते। कहीं अगर आपकी उम्र भी शादी के लायक है तो जल्दी से अपना बैंड बजवा लीजिए। फैक्ट नंबर 10। सीढ़ियाँ तो आप रोज उतरते चढ़ते होंगे, लेकिन क्या होगा अगर आपके सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त म्यूजिक बजने लगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना फ्रेंड्स। साल 2009 में नीदरलैंड के रोटरडैम सेंट्रल स्टेशन पर ऐसे ही म्यूजिकल स्टेयर्स को इंस्टॉल किया गया था। ये एक पियानो स्टेयर्स थी जिसके ऊपर चढ़ने पर अलग अलग नोट का म्यूजिक जनरेट होता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था जिससे ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि एस्केलेटर के पास इसे लगाने पर लोग इसे तवज्जो देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये पियानो स्टेयर्स का आइडिया फ्लॉप हो गया, क्योंकि लोगों में आलस कूट कूट कर भरा पड़ा है। तो दोस्तों, इस शानदार फैक्ट पर फैक्टलैंड को सब्सक्राइब भी कर लें। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, रेडियो तो सभी ने सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब से आपको रेडियो सुनने के लिए पैसे चुकाने होंगे, तब तो आप तुरंत रेडियो सुनना बंद कर देंगे। दोस्तों, 1923 में जब इंडिया में रेडियो की शुरुआत की गई, तो उस वक्त रेडियो को अपने घर में रखने के लिए भी एक खास तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, जिसको डोमेस्टिक रेडियो लाइसेंस के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, इस लाइसेंस के मिलने पर लोगों को किराए के तौर पर हर साल 3 रुपए भी देने पड़ते थे, और अगर किसी को बिना लाइसेंस पकड़ा जाता था तो उस पर जुर्माने का बड़ा बिल फाड़ दिया जाता था। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने सोचा है कि इंसान जो सपने देखता है वो उसे याद क्यों नहीं रहते? असल में दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आप जो सपने देखते हैं उनका कोई समय नहीं होता, और हम रात में करीब 7 सपने देखते हैं, लेकिन इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, और यही वजह है कि हमें कोई भी सपना याद नहीं रहता। फैक्ट नंबर 7। एक बार मधुमक्खियों के झुंड ने एक गाड़ी का 2 दिन तक लगातार पीछा किया था, और आप ये सुनकर शायद अपनी आंखें बड़ी कर लें, लेकिन ये करीब 20,000 मधुमक्खियां थी।
और ये सिर्फ अपनी क्वीन मधुमक्खी को उस गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। दरअसल 22 मई 2016 को वेस्टलैंड में 65 साल की कैरोल हावत नाम की महिला शॉपिंग करने अपनी गाड़ी से निकली, तभी एक क्वीन भी उस गाड़ी में जाकर फंस गई और उसके बाद शुरू हुआ बीज रेस्क्यू ऑपरेशन। था ना एकदम मजेदार किस्सा। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने लॉरा बक्सटन के बारे में सुना है? जी हाँ, लॉरा वो लड़की थी जिसके साथ एक अजीब इत्तेफाक हुआ। दरअसल लॉरा अपने दादाजी का 50वां बर्थडे मना रही थी और उसी दौरान उसके दादा ने उसे हीलियम बलून दिया, जिस पर लॉरा ने एक चिट्ठी बांधकर उसे हवा में छोड़ दिया, जिस पर लॉरा ने अपना नाम और पता लिखा था, साथ में ये भी कि जिसे भी मिले वो उसे लौटा दे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 किलोमीटर दूर लंदन के गांव में ये बलून सेम लॉरा बक्सटन नाम की एक लड़की को मिला। अब दोस्तों, नाम किसी का सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ तो उम्र, कद, पसंदीदा जानवर और तो और दोनों जब मिली तो सेम कपड़ों में थी, यहाँ तक कि कपड़ों का डिजाइन भी एक जैसा था। फैक्ट नंबर 5, शराब के शौकीनों के लिए ये एकदम ताजा जानकारी है दोस्तों। क्या आपको पता है पटियाला पैग को पटियाला पैग ही क्यों कहा जाता है? असल में 1920 में रहे पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह ने एक क्रिकेट मुकाबले में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसके बाद इस जीत का जश्न मनाया गया और तभी जन्म हुआ पटियाला पैग का। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसका दिमाग अगले 10 मिनट तक जिंदा रहता है, लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके पीछे की साइंटिफिक रिसर्च में कहा गया है कि इंसान के मरने के बाद उसका दिमाग उसके पिछले जन्म की यादों को देखता है और ये प्रोसेस 10 मिनट तक कंटिन्यू चलती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक टीवी एड ऐसा बना था जो 14 घंटे तक दिखाया गया था? असल में ये एडवर्टीजमेंट एक परफ्यूम कंपनी ओल्ड स्पाइस का था। आखिर ऐसा क्या था उस टीवी एड में? दोस्तों शायद आप जानकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन ये कंपनी इस एडवर्टीजमेंट में सिर्फ अपने परफ्यूम का बार बार अलग अलग एंगल से प्रमोशन करती नजर आ रही थी। आप खुद क्यों नहीं देख लेते? फैक्ट नंबर 2, आपने 360 डिग्री एंगल से चाकरी तो कई बार मारी होगी या लट्टू तो जरूर चलाया होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा घर भी है जो 360 डिग्री के एंगल पर घूमता है, तो हो सकता है आपका मन भी अपना घर गोल घुमाने को सोच ले। हाँ, आपके कानों ने एकदम सही सुना दोस्तों। कैलिफोर्निया के सैन डियागो में 5300 स्क्वायर फीट में फैला ये घर अपने आप में एक अनोखी रचना है, क्योंकि इस घर को कॉर्नेडो ब्रिज डाउनटाउन सैन डियागो दी ओशन नॉर्थ से ला जोला मिशन ट्रेल पार्क और लेगुआना माउंटेन की खूबसूरती निहारने के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस घर के मालिक एली जॉनसन ने घर के अंदर बाकी सभी चीजों को 360 के एंगल से गोल घुमावदार बनाया है, तो है ना ये घर एकदम घुमा हुआ। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान की जू जीन्स नाम की एक कंपनी अपनी बनाई हुई जीन्स पर रग्ड डिजाइन देने के लिए लेजर मशीनों के बजाय शेर और भालुओं का इस्तेमाल करती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दरअसल ये कंपनी जीन्स को बनाने के बाद उन तैयार जीन्सेस को टाइगर और बेयर्स के सामने कुछ इस तरह से फेंक देती है, जिसके बाद ये जीन्सेस की अलग अलग एंगल से चीर फाड़ कर देते हैं और बाद में इसे तैयार करके मार्केट में दुगने दाम पर बेचा जाता है। तो अगर आपको डिजाइनर शेर पसंद आए तो वीडियो पे लाइक तो जरूर बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के फैक्ट्स ज्ञान से भरपूर कर गए होंगे, तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें, ताकि वो भी आपके साथ फैक्टलैंड घूमने रोज आएं। तो मेरा सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आपके साथ लगातार। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि रोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तब तक ख्याल रखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।